ओम शांति। राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी, आपका जन्म हिमाचल के ऊना जिले के गांव उबवाल में 23 दिसंबर 1936 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पूरा परिवार एक धार्मिक स्वभाव का होने के कारण बाल्यकाल से धार्मिक संस्कारों के बीज आपके अंदर रोपित हुए। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि व महान विचारों के धनी थे। आपकी माताजी के माध्यम से सन 1955 में आप अंबाला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े। परिवार था तो वो उनकी एक पाकिस्तान में अपनी रियासत थी। वारब्रेटन एक जगह है ननकाना साहब के पहले थोड़ा स्टेशन है, तो वहाँ वो हमारे ग्रैंडफादर को वो रियासत मिली हुई थी। तो हमारे परिवार में पढ़े लिखे थे सब, पर नौकरी कभी किसी ने नहीं की। तो हर एक कोई रहता था कि हमारी संपन्नता है, सब कुछ था हमारे पास। फिर पाकिस्तान के आने के बाद फिर हमारी जो फैमिली थी वो एक साल तो हिमाचल में रही, फिर अंबाला कैंट में शिफ्ट हुई, क्योंकि हमारे जो ट्रिब्यून अखबार है उसके जो मेन ट्रस्टी थे, चीफ ट्रस्टी थे दीवान आनंद कुमार, तो उनके साथ हमारे बड़े पारिवारिक संबंध थे। वो नहीं चाहते थे मेरे लौकिक पिताजी फ्री रहें, खाली रहें, तो उन्होंने फिर उनको ट्रिब्यून की अखबार जो निकलता है चंडीगढ़ से आजकल, तो उसकी जिम्मेवारी दी और वो सुपरवाइज़र थे उसमें। तो उसके बाद जब अंबाला में रहे तो हमारी लौकिक पढ़ाई वहीं हुई। तो मैंने पाँचवीं से लेकर, तो मेरा करियर अच्छा रहा, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो 11वीं में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस FSC मैंने की पास, फिर FSC दो साल FSC के बाद मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, तो उस वक़्त मेरा संपर्क ब्रह्मा कुमारी बहनों से हुआ। हमारे लौकिक माताजी पिताजी बहुत धार्मिक विचारों के थे, मैं भी बहुत धार्मिक था, तो मैं भी हफ्ते में एक दिन उपवास रखता था, पूजा पाठ बहुत करता था। तो उनको ये हुआ था, हमारे घर में शंकराचार्य भी आके रुकते थे, आनंदमयी माता, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे, तो ये और कीर्तन वीर्तन भी होता रहता था। तो माता जी जो पड़ोस में थे उनको पता था ये परिवार बहुत धार्मिक है और इनके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो माता जी कभी नहीं आई थी हमारे घर में, फर्स्ट टाइम वो चल करके आई और हमारी माता जी को, लौकिक माता जी को निमंत्रण दिया कि बहन जी आप हमारे घर आओ, और यही बोला कि वो देवियाँ आई हैं। तो उस वक्त तो हमारी लौकिक माता जी चली गई, वहाँ मिली, वो बहुत प्रभावित हुई बहनों के प्यार से, स्नेह से, तो रोज़ जाने लगी। जाते जाते रोज़ वो बहनें सुनाती थीं और सुन के आती थीं, पर वो जो सुनती थी उनको समझ में नहीं आया पूरा क्या क्या इनका भाव क्या कहते हैं। तो आगे मेरे को कहती थी, बेटा तुम भी चलो, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं वो। पर मैं पूछता था ज्ञान क्या सुनाती हैं, तो वो नहीं बता पाती थी, पर वो उन बहनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जब हमारी माता जी का बहुत फोर्स था तो मैंने उसी शाम का टाइम उसी गीता भवन हमारे मेरे रास्ते में आता था, मैं शाम को एक मित्र के साथ इवनिंग वॉक के लिए जाता था। तो जब हम लौट के आए तो मैं पीछे सभा में पीछे बैठ गया। जब पीछे बैठ गया तो उनका प्रवचन चल रहा था, तो उनका प्रवचन उस दिन कर्म योग पर चला। तो कर्म योग की जो परिभाषा बहन जी ने बताई बहुत सरल और बहुत लॉजिकल थी, तो वो सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने गांधी जी की कर्म योग पढ़ा था, विवेकानंद का पढ़ा था और दूसरे भी कई संतों का इस विषय पर, विनोबा जी का पढ़ा था, कईयों की मैंने ये किताबें पढ़ी थी कर्म योग पर। तो मुझे कर्म योग जो था वो मैं यही मानता था कि निस्वार्थ कर्म करना ही कर्म योग है, मगर ये नहीं पता था कि योग और कर्म दो चीज़ें अलग हैं, कि यानी भगवान से योग रखते हुए कर्म करना। तो ये डेफिनेशन उन बहनों ने पहली बार सुनाई, तो ये बात मुझे पॉइंट सबसे पहले ये अच्छी लगी।
आप सन 1956 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्म बाबा से पहली बार माउंट आबू में मिले और उनके निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्रेम और उनकी आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से प्रेरणा लेकर आपने आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व कल्याण की सेवा हेतु संस्था में समर्पित हो गए। उन्होंने हमको ये नहीं कुछ बताया था कि बाबा के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं पता था। हमको जाके बिठा दिया, एक नीचे हम एक बिछी थी, दरी बिछी थी और बाबा की गद्दी आगे लगी हुई थी। बाबा आके आगे आके बैठ गए, बैठ गए तो उसमें मैं जो बैठा था एकदम आगे आगे में बैठा था फ्रंट में। तो बाबा की दृष्टि पड़ी, तो जैसे दृष्टि बाबा की पड़ी सबको देखा, बाबा ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी पार्टी है ये, बाबा के बहुत कलर पहले वाले हैं ये हैं। तो जब बाबा की दृष्टि पड़ी तो मैं एकदम सन्न हो गया, मेरे को मेरा शरीर ही मुझे भूल गया और मेरे आंसू बहते जाए और आंसू बहते बहते मेरे को। और दूसरी बात क्या हुआ कि जैसे बाबा मुझे खींच रहा है, पुल कर रहा है फिजिकली भी, मैं खिसकते खिसकते धीरे 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 बाबा की गोद में जाके गिर गया। बाबा ने बड़ा प्यार किया, रुमाल निकाला, मेरे आंसू पूछे और बाबा ने कहा कि बच्चे ये मेरा बच्चा जो है कैप्टन है, ये बहुत सेवा करेगा, बहुत ऐसे कुछ शब्द मुझे याद हैं। तो उस वक्त बाबा से मिला और फिर हम कुछ दिन माउंट आबू में रहे और फिर ऐसा बाबा के साथ संबंध बना रहा जैसे बाबा के साथ हमारा परिवार का संबंध था, कि जैसे लौकिक पिता होता है घर में। बाबा के प्यार ने हमको पूरी तरह खींच लिया। जब पूरी तरह खींच लिया तो मन में ये हो गया कि अब हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही बन के रहना, यही अच्छा जीवन है। मगर हमारा घर का बंधन था लौकिक पिताजी का, पिताजी को मोह बहुत था और पिताजी चाहते थे कि भाई इंजीनियरिंग पूरी करे। तो फिर हम जैसे तैसे पढ़ते भी रहे और फिर पढ़ते हुए सेंटर भी खोलते रहे और ये सेवा करते रहे। और फिर बाबा का हमको बल बहुत था, बाबा का पत्र आना, बाबा की पालना मिलती रही। आपने पटियाला में संस्था की वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के सानिध्य में रहकर ईश्वरीय ज्ञान का बीजारोपण किया। पटियाला के थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में अध्ययन के दौरान ही आपने पंजाब व हरियाणा के विभिन्न शहरों में जैसे कि अंबाला, पटियाला, जलंधर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र व देहरादून में सेवा केंद्र खोले। बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे ओम प्रकाश, तुम बहुत अच्छे हो, बाबा के दिल पर हो और बाबा आपको बहुत प्यार करता है और बाबा की श्रीमत यह है कि तुम पटियाला चले जाओ और वहाँ जाने से बहुत बड़ी सेवा होगी। तुम समझो ये पटियाला जाना निमित्त मात्र है पर उसमें बाबा की सेवा बहुत बड़ी समाई हुई है। तो मैंने पत्र पढ़ा तो मैं थोड़ी देर के लिए तो एकदम सुन हो गया। मैं क्या देखो भगवान ने मेरे को ये लिखा, मैंने तो कभी नहीं लिखा। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, उसके आगे तो फिर बुद्धि मेरी चली नहीं। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं अब मेरे को जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमको एक कमरा, मेरे को 112 नंबर कमरा मिला और मेरे पड़ोस में 113 में आत्म प्रकाश भाई जो ज्ञानमृत प्रेस के इंचार्ज हैं यहाँ पर माउंट शांतिवन में, तो वो रहते थे। तो फिर हमने मिल करके दोनों ने वहाँ सेवा शुरू की पटियाला में। सेवा शुरू की तो मकान हमारा अच्छा ही था। तो फिर हमने जानकी दादी जी को बुलाया, जानकी दादी जी हमारे पास रहती थी तो वो खाना भी वो ही बनाती थी, अपना भी और हम दोनों का भी, और हम सब्जी वगैरह ले आते थे बाजार से। तो दादी जी जो थीं उन दोनों को उनके साथ कोई ब्राह्मणी नहीं होती थी, अकेली खुद ही खाना बनाना और जो बड़े बर्तन होते थे वो भी उन्होंने खुद धोना। हम कहेंगे दादी उसे नहीं नहीं मैं खुद धोऊंगी और उसके अलावा कपड़े धोना ये सब कुछ करना, तो उनको बड़ा प्रभाव पड़ता था। और दादी को खिलाने का शौक बहुत था तो दादी कहेगी आज ना तुम, वो और भी थे हमारे दोस्त पढ़ने वाले और दादी को उनके नाम भी पता थे, तो दादी कहेगी आज ना वो श्री कृष्ण है उसको भी बुला लाना, फलाने को भी बुला लेना, आज ना सिंधी कढ़ी बना, आज मैं सिंधी कढ़ी बनाऊंगी।
फिर वो भी दोपहर को आ जाते थे, उनको भी खिलाती थी। फिर कभी कभी कहेगी कि आज ना वो साबूदाने का हलवा बनेगा, तो उनको भी बुला के लाओ, फिर वो भी आ जाते थे। ऐसे दादी की सेवा होती रही। उनमें योग की पावर बहुत थी, इतनी पावर रहती थी तो वो हर एक को योग से प्रभावित बहुत करती थी। हम उस सेंटर फिर वहाँ चंडीगढ़ का स्टार्ट किया, वहाँ रहने लगे। ऐसे करते करते फिर नाभा में किया, फिर उसके बाद चंडीगढ़ रहते रहते हमने जलंधर शुरू किया। मिठा बाज़ार एक है और वहाँ पर हमने मकान लिया। तो क्या था कि बाबा को जयपुर में कोई पढ़ा लिखा भाई चाहिए था, क्योंकि सब काम आबू के, आप जयपुर राजधानी है और राजधानी में सारे काम पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि मम्मा को बोला कि इनके पिताजी जो है ना, वो उनका बहुत प्यार है तुम्हारे से, तुम उनसे मांगो। तो मम्मा ने मेरे को मांगा पिताजी से, उनका मोह बहुत था। फिर आकर मुझे छुट्टी मिली। सन 1964 में आपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी सेवाओं की नींव रखी। 1969 में पिताश्री ब्रह्म बाबा के आदेश अनुसार इंदौर जोन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में लगभग 600 सेवा केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 800 ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें समर्पित रूप से सेवाएं प्रदान करती हैं। एक बार मेजर की कोठी में दिल्ली आए थे तो हम सब मिलने वहाँ से गए। मैं देहरादून से गया था, तो एक युगल थे, वो अम्बाला के थे ओरिजिनली, एयरफोर्स से रिटायर हो गए थे। तो उनको एक बहुत बड़ा जॉब मिला था वहाँ पर जबलपुर में। उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट की, बाबा हम जबलपुर आ गए हैं, हमको सेंटर खोलना है। तो मैं जबलपुर आ गया, तो जबलपुर में हमने एक प्रदर्शनी लगाई, एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके अंदर हमें भी स्टॉल मिल गया। लेके वहाँ कोशिश करते करते एक फिर उस जबलपुर में हमें एक मकान भी किराए पर अच्छा सा ले लिया था। फिर सेवा अच्छी होती गई, बहुत सेवा बढ़ी, लोग बहुत आने लगे। मगर जबलपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर लोगों के शास्त्रवादी बहुत है, कट्टर लोग, उन्होंने, कट्टरपंथियों ने हमारा विरोध बहुत किया। और विरोध किया कि सेंटर के आगे हवन करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर पत्थर मारना, शीशे तोड़ना, ये करना। हम पुलिस को भी कहते थे, पर पुलिस भी वो देखती थी कि ये तो यहाँ के रहवासी हैं, उनका साथ ज़्यादा देते, हमारा नहीं। फिर क्या हुआ कि पुलिस ने, जब बहुत ऐसा हो गया, बाबा को समाचार जाता था। बाबा ने, जालान बाबू थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनके मित्र थे, तो जालान को कहा, देखो जालान, ये जो है हमारा सेंटर है वहाँ पर, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो जाके राष्ट्रपति भवन में खुद मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ से SOS किया चीफ मिनिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा था। तो द्वारका प्रसाद मिश्रा को बड़ी फीलिंग आई कि राष्ट्रपति तक मेरी रिपोर्ट गई है कि वहाँ पर अनुशासन नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। वो अपना प्लेन लेके खुद आया अम्बाला, ना जबलपुर आया। तो फिर पुलिस से इंक्वायरी हुई, ये हुआ। तो फिर पुलिस के उस वक्त से 8 पुलिस वाले सुबह शाम शिफ्टें बदलती उनकी, हमारे गार्ड में रहते थे। हमें दूध भी मंगाना है तो पुलिस से मंगाओ, कोई सब्ज़ी मंगानी तो पुलिस वाले ला के देंगे। हम और ऐसे सेवा करते करते क्या हुआ कि फिर बाबा, फिर टेलीग्राम आया माउंट आबू से दादी प्रकाशमणि का कि पिताश्री एक्सपायर्ड, ऐसा ऐसा पहुंचा। तो फिर हमने जब मिला तो मैं तुरंत वहां से चला, फ्लाइट तो थी नहीं, मैं बाई ट्रेन चला, ट्रेन भी डायरेक्ट नहीं थी, दिल्ली से होके चेंज करके फिर वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो कपड़े बदले तो वो जो एक पत्र बाबा का आया था, 13 जनवरी को लिखा था बाबा ने, वो पत्र मेरी जेब में ही पड़ा था। और जैसे मैं कपड़े चेंज किए तो मैं चिता के पास गया, चिता जल रही थी, मैं गया तो पत्र भी मेरे साथ था।
उस पत्र में बाबा ने लिखा था कि बच्चे आप इंदौर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ सेवा बहुत है, क्योंकि बाबा का अज्ञान काल से वहाँ बिजनेस था राजा के साथ, तो राजा के साथ था और वहाँ का नगर सेठ था उसके साथ, तो बाबा को इंदौर का पता था, तो बाबा ने कहा वहाँ सेवा करो, 2 महीने के लिए जाओ वहाँ सेवा करो। तो पत्र मैंने उस वक्त पढ़ा, चिता के सामने जल रही थी, तो मैंने कहा बाबा मैं 13 साल तक आपकी कोई भी आज्ञा हुई मैंने सबका पालन किया, और ये जो आज्ञा आपकी इसका भी मैं पालन ज़रूर करूँगा। फिर ये उसके बाद जब हम वहाँ से लौटे तो मैं जबलपुर नहीं गया, मैं उसके बाद सीधा इंदौर आया, और आकर के फिर मकान ढूंढा, ये किया, फिर मकान भी मिल गया, फिर हमने वहाँ सेवा शुरू की। तो उनके उस वक़्त जो गवर्नर थे वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे हमारी सेवा में। और रायपुर में तो क्या हुआ कि जब हमारा भवन बना एक पहला सिटी के अंदर चौबे कॉलोनी में, तो वहाँ दादी जी आई थी उद्घाटन करने, फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ एक सोचा ज़मीन ली, वो 8.5 एकड़ जगह थी, वो हाईवे पर थी और मतलब रोड के किनारे ही थी, तो वहाँ पर एक मकान बनाया, और वो मकान काफ़ी बड़ा हॉल, उसके अंदर काफ़ी कमरे सब कुछ, तो उस मकान में से बहुत सेवा हुई। और फिर 2000 में उसी रोड पर आगे जाके वो 2000 में राजधानी बन गई, कि 2 स्टेट अलग हो गई, छत्तीसगढ़ स्टेट अलग हो गई और मध्य प्रदेश अलग हो गई। तो छत्तीसगढ़ की जो पहली मीटिंग हुई तो वो वहाँ जो विधानसभा है, विधानसभा हमारे से 1.5 किलोमीटर दूर है उसी रोड पर आगे, तो वहाँ पर तो पहले दिन जो विधायक आए वो सारे हमारे यहीं आ गए, कि वो बड़ा गेट था बहुत सुंदर, उन्होंने सोचा यही विधानसभा है। फिर आए, हमने सबका वेलकम किया, ये किया, और जैसे उनकी विधान पहली सभा पूरी हुई तो हमने सबको कहा कि सब भोजन वहीं करो, और आज तक भी जितने मंत्री जितने विधायक हैं सब साल हर साल उनका ब्रह्मा भोजन होता है। आप सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए सदैव ही सक्रिय रहे, आदिवासियों के जीवन को सुधारने व संवारने के लिए छत्तीसगढ़ के 65 से भी अधिक गांव में आपके निर्देशन में आदिवासी आध्यात्मिक उत्थान में परियोजना व नशा मुक्ति कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक संचालित किए गए। आप संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मीडिया में मूल्यों के समावेश के लिए भी प्रयासरत रहे। शिक्षा द्वारा युवाओं का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने हेतु भी आपने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की स्थापना की। आपके कुशल प्रशासन में लाखों लोगों ने मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त की। देश विदेश में जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में अपनी दृढ़ता व निर्णय शक्ति से आपने सदा ही सफलता को पाया है। आप एक कुशल वक्ता एवं लेखक भी थे। कर्मठ एवं अनेक प्रतिभाओं के धनी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई का जीवन अनेकों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। 25 दिसंबर 2016 को आध्यात्म जगत के इस चमकते हुए सितारे ने अपनी अंतिम श्वासें ली और ईश्वर की गोद में चले गए। सारा विश्व उस महान आत्मा की कमी को सदा महसूस करता रहेगा। और ये निशानी है कि प्रार्थना जी ने जो कुछ किया उससे बाबा संतुष्ट हैं, सफलता पाई है, और हम सब भी इसको मुबारक देते हैं कि भाई जी ने अपने जीवन को सफल किया तो पीछे मुड़कर, क्योंकि जो स्थापना के निमित्त बनता है तो पालना के निमित्त तो वही आत्मा बनती है ना, फिर तो सूक्ष्म में उनका पाठ मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ भी होंगे, जैसे हमारे एडवांस पार्टी वाले हैं, बाबा की सेवा पर सदा उपस्थित है, ऐसे भाई जी भी आप सबके साथ हैं
और साथ रहेंगे। ओम शांति। आज ऋषि होकर कीर्तन करने के बावजूद भी वो निश्चिंत थे, मैंने देखा। निश्चिंत होकर के हर कार्य में दृढ़ विश्वास और निश्चिंत दोनों साथ साथ में थे, ऐसी एक समरसता को देखने के लिए एक व्यक्तित्व मैंने उनके आपके पास देखा कि जो भी ईश्वरीय सेवा सर जमीन पर किए, ग्राउंड लेवल पर किए हैं, उनमें ये एक विशेष आत्मा है। भाई जी आते थे सारी प्लानिंग सारी, और भाई जी को कोई भी काम 19-20 नहीं चाहिए, हर काम उनका 21 चाहिए। मतलब प्रोग्राम करना है भाई जी को, कार्ड से लेके गेस्ट तक, व्यवस्था तक, सब टिप टॉप। तो हमको भाई जी ने इतना, मतलब हम तो थे पत्थर बुद्धि ही थे, लेकिन भाई जी ने इतना सिखाया इतना, और हमने भी। उन्होंने अपने जीवन काल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को भी परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान और योग की शक्ति से, अपनी सहनशीलता से, अपनी समाधि की शक्ति से, अपनी निर्णय शक्ति, परक शक्ति, निर्णय के तुरंत और सब विवेक पूर्ण निर्णय। कभी कभी हमको किसी परिस्थिति में ऐसा लगता था कि शायद ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अपने निर्णय में दृढ़ रहते थे और आगे चलकर के कुछ समय बाद हम देखते थे कि वो निर्णय उनका सही था। सब कुछ करते हुए उनका हर संकल्प, हर बोध, हर कर्म सेवा करने के था। कोई किसी और किसी स्वार्थ का केवल सेवा करता, ये मैंने देखा।